मैं भी बहुत सारे लोग मैं ये देखती हूँ कि हमारे पेरेंट्स स्टेयर फील करते हैं लड़की को आज़ादी देने से, अपने ख्याल का इजहार करने से, या उसे घर से बाहर भेजने से, या उसके शौक पूरा करने से। तो मैं ये समझती हूँ कि जो पेरेंट्स अपने अपनी तरबियत है और अपने जो सिखाए हुए उनके उसूल हैं उन पर बिलीव करके उनको आज़ादी देते हैं लिमिट हद तक, तो हो ही नहीं सकता कि वो बच्चा या वो बेटी किसी गलत रास्ते पर चले। Hello everybody, what's up, assalamu alaikum and welcome back to another vlog. Hope you all are doing great. Today's vlog is all about my first ever experience to Rehri Goth, जो कि एक fish village है. Yesterday an event was organized by HEAL, जो कि एक organization है. इसकी full form है Health Education Aid Liaison. It was basically an awareness session जो कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है. So I recorded some of the stuff, so I'll be presenting all this stuff in the form of vlog. So चलते हैं, start करते हैं from the day, how the day started from the morning. So here we go. अभी हो रहे हैं 8 और हमें पहुंचते हैं वहाँ पे 8:30 बजे तक। मैं तो रेडी हो गया हूँ, लेकिन इस गेम में से मैं अकेला नहीं जा रहा, बल्कि मेरे साथ एक और फ्रेंड भी जा रहे हैं और उनको भी ऐड करना है हमें इस गेम में, तो हम उसको लेने जा रहे हैं और उसके साथ 4-6 और लोग भी जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जाएंगे, मगर उनके पास जाना ज़रूरी है, उनके साथ जाना है। तो चलते हैं क्योंकि हमें लेट हो रहा है, हमें पहुँचते हैं वहाँ पर जल्दी। सो लेट्स गो। और फिर हमने अपने बाकी मेंबर्स का वेट किया जो कि इस नेक काम में हमारे साथ होंगे, और फिर फाइनली जब वो पहुंचे तो हम अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। और फिर इसी के साथ मौसम ने भी हमारा भरपूर साथ दिया, और एक पल तो ऐसा महसूस हुआ कि आज बारिश हमारे हक में है, मगर फिर ऐसा कुछ ना हुआ और फाइनली 25 मिनट की लंबी ड्राइव के बाद हम पहुँचे रेहरी गोठ। सिंध के करीब 300 साल पुरानी ये बस्ती आबाद है, जिसमें 1,20,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, और यहाँ पर बेशतर अफराद माहीगिरी के पेशे से वाबस्ता हैं। यहाँ की स्पेशल मछलियों की खुशबू से ही हमें इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि हम Rehri Goth में दाखिल हो चुके हैं। एक वक्त था जब कराची की चंद खूबसूरत जगहों में Rehri Goth का भी नाम था, मगर फिर आलूदगी के बायस इसकी खूबसूरती इससे छीन ली गई, और फिर फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। तो काफ़ी देर के बाद ही अब यहाँ पहुँचे हैं, और अभी देखते हैं इवेंट स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी लेट हो गए, हम लोगों ने सोचा कितने बजे का था, बहुत से पता नहीं कभी गाड़ी भी ख़राब हो गई। हाँ, हाँ, अभी वहाँ चलते हैं ना उस तरफ से, फिर देखते हैं। अभी एंट्रेंस जा रहे हैं, देखते हैं क्या हिसाब होता है अंदर, लेट तो बहुत हो गए हैं, देखते हैं। एक सेकेंड, इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि है क्या चीज़, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि 4 से 5 अभी मोटिवेशनल स्पीचेज आएंगी जो कि बिल्कुल टू द पॉइंट होंगी, और फिर लास्ट में आएगा मेन रोल प्ले, और उसके बाद ब्लॉग खत्म होगा। सो हियर वी गो। सेहत पर बात करेंगे और खानदान के अंदर जो मसले होते हैं उसकी
बुनियादी वजह होती है कि तालीम नहीं होती है, उसके ऊपर बात करेंगे। एक छोटा सा आपके सामने ड्रामा भी रखेंगे, उसमें आपको इंशाल्लाह हंसी भी आएगी, लेकिन उस ड्रामे का जो मकसद है उसको आपने देखना है। बच्चों की परवरिश किस तरह से करनी है, सेहत के कौन कौन से मसाइल जो है वो आपके साथ आ सकते हैं उस पर बात करेंगे। हम लोग नींद की तरफ से आए हैं, नींद का मतलब है हेल्थ, हेल्थ मतलब सेहत। हमने तो गाली चप्पल बढ़ती है या सुनते हो कभी कभी चप्पल बढ़ती है, फिर भी आपको बता दें तो ये बहुत जरूरी है कि चप्पलें पड़ती रहे, हम बाजार बता दें क्योंकि घर में आपको चप्पल पड़ेगी बाहर आपको ठोकर लगेगी। अगर आपने उनकी बात नहीं सुनी, ठोकर लगेगी तो आप गिरेंगे और गिरे में कोई संभालने नहीं आएगा सिवाय आपके घर वाले। माँ हमेशा कड़वा बोलेगी, कभी भी मीठा नहीं बोलेगी, ये याद रखो कि कभी भी माँ मीठा नहीं बोलेगी, क्योंकि माँ के दिल में जितनी मोहब्बत और जितनी दुआ होती है उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते, उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। रिजेक्ट नहीं किया अभी भी कि हमें हमारा हक दो, राइट दो, क्योंकि हक लेने का शौक है।